सबरी सबरी सब कहते हैं, पर सबरी सबरी बनी कैसे? एक दिन गुरुजी ने सबरी को बुलाकर कहा, बिटिया मेरा शरीर छूटने का समय आ गया है। सबरी रोने लगी, बच्ची ही ठहरी। गुरुजी ने कहा, शरीर के लिए नहीं रोती है बेटी। सबरी ने कहा, शरीर के लिए नहीं रोती हूँ गुरुजी, भगवान के लिए रोती हूँ। आपके शरीर में रहते ना पा सकी, आपका शरीर नहीं रहेगा तो कैसे पाऊंगी। गुरुजी ने जो कहा उस सब के लिए उपदेश है। सबरी आराम आराम जपना, उनकी प्रतीक्षा करना, उनके स्वागत की तैयारी रखना। सबरी ने पूछा, गुरुजी राम जी कब आएंगे? गुरुजी ने कहा, अभी दशरथ जी का कौशल्या जी से लगन तय हुआ है, विवाह होगा, फिर महाराज दो विवाह और करेंगे, फिर चौथापन आएगा, पुत्र कामिष्टि यज्ञ होगा, राम जी गर्भ में आएंगे, जन्म के इतने वर्ष बाद विवाह होगा, इतने वर्ष बाद वनवास होगा, इतने वर्ष बाद सीता जी का हरण होगा, तब कभी आएंगे। लेकिन सबरी वो अपने मर्जी के मालिक हैं, किसी नियम से बंधे नहीं है, उनका मन हुआ तो आज भी आ सकते हैं। गुरु जी तो चले गए, सबरी की साधना का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। रात सोती है तो मन योजनाओं के जाल बुनता है कि कल राम जी आएंगे, मैं सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त होकर कुटिया साफ सुथरी कर रखूंगी, राम जी के लिए फूल तोड़ लाऊंगी, ऐसे उनका पूजन करूंगी, यहाँ बिठाऊंगी, वहाँ आसन लगाऊंगी, यह खिलाऊंगी, उनके चरणों में गिर जाऊंगी, जब तक अपनी भुजाओं से नहीं उठाएंगे उठूंगी ही नहीं, उनकी आंखें निहारूंगी, उनकी मुस्कान पर वारी वारी जाऊंगी, ऐसा सोचते सोचते वो सो जाती है।